इसमें दिया गया है, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा इसको रफ में समझ लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसे करना है। समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, इसका मतलब n का मान सबसे पहले आपको दिया गया है 50। तीसरा पद 12 है, यानी कि a प्लस 2d, ये तीसरा पद का फॉर्मूला होता है, a प्लस 2d, और ये है 12। और अंतिम पद 106 है, और अंतिम पद का फॉर्मूला यानी हम n-वां पद का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि 50 पद हैं तो 50वां पद हो जाएगा, तो 50वां पद का फॉर्मूला आपको लगा देना है क्योंकि n का मान आपको दिया गया है। तो अंतिम पद जब भी आपको दिया जाए तो आपको फॉर्मूला लगाना होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन अगर 50 पद हैं तो अंतिम पद 106 है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। जहां पर एन का मान 50 आप रखोगे और ए प्लस 50 माइनस 1 हो जाएगा 49d, और 49d हो जाएगा ये n-वां पद, तो ये हो जाएगा समीकरण एक। और चूंकि अंतिम पद 106 है इसलिए आप यहाँ पर 106 रखोगे, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a प्लस 49d बराबर 106। तो ये तो आ जाएगा समीकरण एक और ये आ जाएगा समीकरण दो, दोनों को सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तो था शॉर्टकट, अब आइए हम इसको विस्तार से करते हैं और एक एक पॉइंट समझते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं समांतर श्रेणी में जो n का मान है 50 उसी को। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर d है, फिर लिखेंगे दिया है n बराबर 50। इसके बाद दो स्थितियां हैं, तीसरा पद हमें 12 है दिया गया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्थिति एक, तीसरा पद बराबर 12 है। तीसरा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d, अगर तीसरा पद है तो 3 में से 1 गए तो कितना बचा, 2, तो 2d हो जाएगा और ये तो कंपलसरी रहता ही है, तो a प्लस 2d बराबर होगा 12। ये है समीकरण एक, यहां से आपको स्थिति एक से समीकरण एक बना लेना है। अब हम बात करेंगे स्थिति दो की, तो यहां पर हम लिख देते हैं स्थिति दो। स्थिति दो की बात की जाए यदि, तो अंतिम पद 106 दिया गया है, तो आप लिखोगे अंतिम पद बराबर 106, दोनों चीजें दी हुई थी, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106। अंतिम पद होता है ए एन बराबर 106, और ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस, अब चूंकि अंतिम पद में यहां पर श्रेणी में 50 पद है, हमें एन का मान 50 दिया गया था और हमसे कहा गया था कि समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, तो एन की जगह पर हम 50 रख देंगे, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर 106 हो जाएगा। तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ए और 49 में से 1 जाएगा, 50 में से 1 जाएगा, तो आपको मिलेगा 49d बराबर 106, और ये आपका बन जाएगा समीकरण दो। अब हम समीकरण एक में से 2 घटाएंगे, तो लिखना है समीकरण एक माइनस 2 से, अब पहले समीकरण एक और उसके नीचे समीकरण 2 दोनों लिख लेते हैं, इसके बाद हम इसके चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का माना जाता है, और यहाँ पर भी कोई भी चिन्ह नहीं लगा तो ये भी प्लस का ही माना जाता है। तो प्लस वाली संख्या का पक्षांतर चिन्ह बदलेंगे, तो विपरीत चिन्ह लगाएंगे, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, और ये भी प्लस का है तो माइनस का। इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ए कैंसिल हो जाएगा, 49d, और यहाँ पर 2 जो है ये प्लस का है और ये माइनस का 49 है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस
सैतालीस डी बराबर, यहां पर आपको मिलेगा माइनस 94। 106 में से 12 चले जाएंगे तो आपको मिलेगा 94। माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल, तो बचेगा 47 डी बराबर 94। फिर 47 जो है ये गुणा में है और गुणा वाली संख्या बटे में, तो डी बराबर 94 बटे 47। तो डी बराबर आएगा 47 दूनी 94। तो डी का मान 2 आ चुका है। अब यदि डी का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए तो ए का मान मिल जाएगा। तो हम यहां पर लिखते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 है ए प्लस टू डी बराबर 12, तो ए प्लस टू डी बराबर 12 है, ये पहले मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है। अब इसके बाद आप समझ सकते हैं ए प्लस टू डी का मान कितना है, 2 यहीं पे रख देना है, बराबर 12 है। तो ए प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12 है, 4 का पक्षांतर कर देते हैं तो ए बराबर आपको मिलेगा 12 माइनस 4। तो इसके आगे आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए बराबर 12 में से 4 जाएंगे तो कितना मिलेगा, तो आंसर है 8 मिलेगा। इसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, तो 29वां पद हम ज्ञात करने वाले हैं, तो उसमें हम इस तरीके से लिख सकते हैं 29वां पद, और इसका फॉर्मूला आपको मालूम है। 29वां पद का फॉर्मूला होता क्या है, ए प्लस 28 डी, तो यहाँ पर आप लिखोगे 28 डी। तो ए और डी के दोनों के मान रख देते हैं, ए का मान और डी का मान, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए का मान 8 है और डी का मान 2 है, दोनों को रख देते हैं। तो यहाँ पर ए का मान आएगा 8 प्लस 28 और डी का मान आएगा 2, तो आएगा 8 प्लस, यहाँ पर 28 का जब हम 2 में गुणा तो 56 आ जाएगा, और 56 और 8 जोड़ने से 64 मिलेगा, तो अतः 29वां पद 64 होगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ये पहला शॉट है और ये दूसरा, ये तीसरा, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए और इसी तरीके से ध्यान से पढ़ना है। और